समय उनको इकट्ठे ले लेना चाहिए, महीना दो महीना तीन महीना का, क्योंकि इससे न्यायालय की और कार्य बाधित हो रहे हैं और हम लोग की भी लग रहा है कि इसके बाद प्रक्रिया चलती, वाद विवाद बनता, साक्ष्य चलता, आगे बातें चलती, तो उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगा है। जी, आज एएसआई अपनी सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे कोर्ट के, कोर्ट के 10 दिन का सही है, क्या हुआ कुछ? देखिए, कोर्ट इनको 10 दिन का नहीं, इनको एक कोर्ट पहले 1 महीना, पहले 2 सप्ताह, फिर 10 दिन, 2-3 बार समय दे चुकी है। आज उनका फिर प्रार्थना पत्र आ गया है कि आज रिपोर्ट के लिए उनको 15 दिन का या 3 सप्ताह का समय चाहिए, 21 दिन का समय और चाहिए। तो हमको लगता है कि रिपोर्ट उनका तैयार नहीं हो गया होगा, लेकिन समय उनको इकट्ठे ले लेना चाहिए, महीना दो महीना तीन महीना का, क्योंकि इससे न्यायालय की और कार्य बाधित हो रहे हैं और हम लोग की भी लग रहा है कि इसके बाद एक प्रक्रिया चलती, वाद विवाद बनता, साक्ष्य चलता, आगे बातें चलती, तो उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगा है। इसकी सुनवाई के लिए 2 बजे रखा जाएगा। इसका रीजन हो सकता है लेबोरेटरी रिपोर्ट है, तमाम चीज़ें आयु संबंधित है, कहीं जांच कर रहे होंगे। बहुत सारे लेख ऐसे मिले हैं जो न हिंदी हैं और न ही इंग्लिश हैं, तो उर्दू फारसी के लेख हैं, उसका अनुवाद करा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। अब रिपोर्ट के लिए वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि एक तरीका से यह विवेचना है, उनको गहन से विवेचना करके इनको रिपोर्ट दाखिल करनी है, लेकिन समय उनको इकट्ठे लेना चाहिए, 12 समय लेना ठीक नहीं है। क्या मानते हैं आप कोर्ट कमीशन सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर में मौजूद रहे, ज्ञानवापी परिसर में मौजूद रहे, जो भी चीजें हैं एएसआई जब रिपोर्ट पेश करेगा तो वो दिन क्या होगा हिंदू पक्ष के लिए, जिस आधार पर आपने मुकदमा शुरू किया? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं साधारण कमीशन में भी था, एएसआई के सर्वे में भी हम लोग थे, हम व्यक्तिगत थे वहाँ पर। तो जो चीजें वहाँ है, उस निश्चित मंदिर है और मंदिर के ही अवशेष मिल रहे हैं, मंदिर के ही साक्ष्य मिल रहे हैं। तो जिस दिन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, वो रिपोर्ट सत्य ही दाखिल करेंगे, तो सत्य में जो कलाकृतियां हैं, जो चीजें हैं, जो वहां प्राप्त हुए हैं, वो सारी चीजें हैं, जो कहीं बताना उचित नहीं है। तो रिपोर्ट के बाद सारी चीज स्पष्ट हो जाएगा और दावा मजबूत है और मंदिर है, मंदिर ही रहेगा।